हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रेवाड़ी जिले के सीआईए धारूहेड़ा ने साहबी पुल के निकट से ट्रक से अवैध शराब बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान तस्लीम पुत्र उनस खान निवासी धीवरी थाना पहाड़ी जिला भरतपुर राजस्थान, मुफीद खान पुत्र पप्पू खान निवासी अग्रका थाना गोविंदगढ़ जिला अलवर राजस्थान और तीसरा आरोपी भीम सिंह पुत्र दलीप सिंह निवासी मिलतपुर जिला गुरुग्राम के रूप में हुई है। जांचकर्ता ने बताया कि सीआईए धारूहेड़ा की टीम रविवार की शाम गश्त पर थी। इसी दौरान सूचना मिली कि गाड़ी कंटेनर का ड्राइवर और उसका साथी ड्राइवर गाड़ी के कैबिन और कंटेनर बॉडी में अवैध शराब अंग्रेजी दिल्ली और गुड़गावा से भरकर अहमदाबाद गुजरात को जाएगी। सूचना के बाद पुलिस ने साहबी पुल पर ही नाकाबंदी करके चेकिंग शुरू की, जो कुछ समय बाद एक ट्रक कंटेनर दिल्ली की तरफ से आता दिखाई दिया। पुलिस ने ट्रक को रुकवाया, ट्रक कंटेनर के चालक और साथ बैठे हुए एक शख्स को काबू किया। जिनसे नाम पता पूछा गया तो ड्राइवर ने अपना नाम तस्लीम पुत्र उनस खान निवासी धीवरी थाना पहाड़ी जिला भरतपुर राजस्थान और दूसरे ने अपना नाम मुफीद खान पुत्र पप्पू खान निवासी अग्रका थाना गोविंदगढ़ जिला अलवर राजस्थान सेकंड ड्राइवर बतलाया। गाड़ी में सामान के बारे में पूछने पर परचून का सामान होना बताया गया और परचून के सामान की बिल बिल्टी पेश की। गाड़ी के कैबिन को खोलकर चेक किया तो उसमें अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी हुई थी। ट्रक से अंग्रेजी शराब की 420 बोतल बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज कर जांच शुरू की एवं आगामी कार्रवाई करते हुए शराब ठेकेदार भीम सिंह पुत्र दलीप सिंह निवासी मिलकपुर जिला गुरुग्राम को भी गिरफ्तार करके तीनों आरोपियों का 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑन द बेसिस ऑफ अ सीक्रेट इंफॉर्मेशन एक ट्रक को इंटरसेप्ट किया और उस ट्रक की जब गहनता से जांच की गई तो उसमें परचून एवं कॉस्मेटिक्स की आड़ में अवैध शराब ले जाई जा रही थी और तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन धारूहेड़ा में एक मुकदमा दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471 एंड वेरियस सेक्शंस ऑफ एक्साइज एक्ट, ये हमने दर्ज किया है। और दो प्रमुख जो आरोपी हैं जो तस्लीम रेजिडेंट ऑफ भरतपुर व मुफीद खान रेजिडेंट ऑफ अलवर, इनको मौके से ही गिरफ्तार किया गया और इनकी गहनता से पूछताछ की गई तो इन्होंने बतलाया कि किस प्रकार ये गुरुग्राम से इस अवैध शराब को भर के लाए हैं और इनका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन वो अहमदाबाद था और कुल 35 बॉक्स शराब जो है 420 बॉटल्स हमने बरामद की है और मोस्टली जो ये शराब है ये इम्पोर्टेड शराब है और हमारा हमने तीनों ही आरोपियों को आज माननीय अदालत में पेश किया था जहां से हमने 4 दिन का इनका पुलिस रिमांड सीख किया है और जो भी और भी अन्य आरोपी जो भी सोर्स है इस शराब का और जो भी सप्लाई चेन्स में जो भी इन्वॉल्व है उनके खिलाफ हम और भी कार्रवाई करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।